हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। तो बनिए हमारी फैमिली का हिस्सा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि चाहे खबरदार हो या मज़ाकरात, सब पहुंचेगा आपकी न्यूज फीड में। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, खुश होंगे। रास्ते बहाल थोड़े से आज मुझे लग रहे थे इस्लामाबाद के, थोड़े से हैं जी, हैं, पिंडी वालों से पूछ लेते हैं, हैं। तो आज मुझे थोड़ा सा जो है सिचुएशन बेहतर लग रही थी, और जिस दिन मेरी ड्राइव जो है घर से ऑफिस तक स्मूथ हो, उस दिन वैसे ही मूड अच्छा रहता है, और जिस दिन वो ख़राब हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टार्ट होना यहाँ पे, है ना। जिस तरह होता है ना, फर्स्ट गियर में ही नहीं जाती गाड़ी। अच्छा जी, आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा काम है कि वैसे इतनी टेंशन्स होती हैं आपकी ज़िंदगी में, वैसे हम लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं एक चीज़ की वजह से, दूसरी चीज़ की वजह से, तो बड़ा मज़ा आता है जब हमारे पास ऐसे गेस्ट्स आते हैं जो कि एज़ ह्यूमन बींग्स भी इतने डाउन टू अर्थ और इतने स्वीट लोग हैं, और उनका जो शोभा है, जो लोगों को हंसाना है, जो खुशियाँ फैलाना है, जो मुस्कुराहटें फैलाना है, वो भी बहुत खूबसूरत है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि इन दोनों हमारे जो गेस्ट हैं, इन्हें इंडिया में भी बहुत पसंद किया गया, और एक जो इनमें हमारे गेस्ट हैं उनको तो जब वो एक चैलेंज में गए, एक चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक बहुत बड़ा जो है उनका कॉम्पिटिशन था, तो अगली दफ़ा उन्हें एज अ को होस्ट बुला लिया गया, एंड दैट इज़ अ बिग बिग अचीवमेंट फॉर एनी पर्सन। दोनों का मैं इंट्रोडक्शन पहले कराती चलूँ, और मैं चाहूँगी कि आज हम ऐसा करते हैं, आज हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज हम अपना शो स्टार्ट ही उनके इस्तकबाल से करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में कराती हूँ, सबसे पहले हमारे साथ होंगे रऊफ लाला, पाकिस्तानी पॉपुलर कमेडियन, राइटर एंड प्रोड्यूसर, मूवीज़ में भी जो है हम उन्हें देख चुके हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में भी देख चुके हैं, हमारे शो पे तो जब भी वो आते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो है ये, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। टेलीविज़न की अगर बात हो तो मैंने कुछ जो है नाम मेरे पास भी हैं, एक रात की कहानी, फ़नी फैमिली, कॉमेडी चैम्पियंस एंड द ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा में भी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हमारे पास होंगे शकील सिद्दीकी साहब, जिनको एक और नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों को पता है क्या नाम है वो? एक नाम, बड़ा मशहूर नाम, इसे कहते हैं तीली। तीली के नाम से भी जो है उन्हें जाना जाता है, कॉमेडी सर्कस जो बॉलीवुड प्रोग्राम था उसमें एज ए कंटेस्टेंट आए, और उसके बाद इतना वो पॉपुलर हुआ और इतने जो है शकील साहब वहाँ पर पॉपुलर हुए कि उन्हें नेक्स्ट टाइम जो है एज अ को होस्ट उन्होंने दावत दी कि आप आइए। एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट जो है वो सलमान खान की रियलिटी शो पर भी अपेयर हुए, और जो थर्ड सीजन था कांटे की टक्कर कॉमेडी सर्कस उसमें भी अपेयर हुए। एक बड़ी खुशी की बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, कर दूँ अभी ना करूँ, खुशी की बात यह है कि ये लोग आपस में जो है रिश्तेदार भी बन चुके हैं, जो कि एक बहुत ही प्यारी बात है, कि सोचे इतनी जो खुशियां बिखेरने वाले लोग हो, जब उनकी फैमिली में रिश्ता भी हो जाए तो कितना मज़े का इनके ड्राइंग रूम का माहौल होता होगा, आई कैन ओनली इमेजिन। तो आपकी बहुत सारी घर बैठी तालियों में हमारे म्यूज़िक में रऊफ लाला और शकील सिद्दीकी। कैसे हैं आपने तो आते ही हमें कॉम्प्लेक्स दे दिया। हील का नहीं, नहीं हील है, हील में हील इतनी नहीं, माशाल्लाह हाइट्स भी अच्छी है। थैंक यू जी, थैंक यू तारीफ हो गई, तारीफ। ऐसी लड़कियां घोड़े पे बैठ गए ना, लगता पैदल आ रही है। हाइट तो अल्लाह का शुक्र है मेरी भी है, मतलब है कि बस यूं नहीं है, थोड़ी यूं है, लेकिन बराबर लग रहे हम लोग, अल्लाह का करम है, माशाल्लाह। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, दो भाई मिल गए, और क्या किए आपको, सीधे सीधे हो जाए, और क्या, दो खूबसूरत भाई, भाई होगा तू, जिम्मेदारी खुद अपनी अलग अलग क्या करो भाई, शादी से पहले सब कजन है, कजन है, माशाल्लाह इंग्लैंड से कजन, खाला का बेटा है, भत्तू खाला का बेटा, अब अमेरिका से आया, अमेरिका से आए हैं, कजन है ये, वो वाले कजन है ना कि वो जब भी आप लंदन से जाके कुछ भी लेकर आते हैं तो कहते मेरी वो लंदन वाली खाला लेकर आई है। हाँ, ये कितने ऐसे लोग होते हैं ना जिस तरह की खाला है, ये जो लंदन से कजन ये लेके आई है, हाँ, लेके असल में यहाँ वाला, मेरे तो खालू है इंग्लैंड में होते हैं माशाल्लाह, वहाँ से इन्होंने भेजा, मुझे 3 घंटे लगे बस ढूंढने में, ऐसे ही होता है। प्लीज प्लीज हैव अ सीट, थैंक यू, वेलकम टू द शो,
वेलकम टू द शो, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। बहुत अच्छा लगता है आप लोग यहाँ पे तशरीफ लेकर आते हैं। हम तो आते हैं, जब भी आते हैं यहाँ है इस्लामाबाद में, हम जब भी आते हैं तो हमारी एंट्री जरूरी होती है एटीवी पे। ये हमारे लिए दरगाह है, मतलब एक किस्म का मजार है जहाँ हमारी हाजिरी होना जरूरी है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी एक मोहब्बत का रिश्ता है। और आज जैगम तो आया नहीं है, जो आज उसकी सालगिरह, सालगिरह मुबारक हो जैगम, आपको बहुत बहुत। अरे हमने तो सरप्राइज देना था, आपने खोल दिया। नहीं हम जब आपने हमारा एकदम ही खोल दिया हिसाब किताब, तो फिर हमने कहा कि चलें जी जैगम तुम्हें एडिट में डाल दो उसको, 68वीं सालगिरह मुबारक हो। आपकी असली उम्र क्या है ये तो हम आपको बिल्कुल भी नहीं, मर्द कहाँ छुपाते हैं, नहीं छुपाते। मर्दों में सिर्फ क्रिकेटर छुपाते हैं। अच्छा क्यों, क्या वजह? क्रिकेटर पता है क्या, एक आदमी शादी जल्दी जल्दी शादियां जो करते हैं ना लोग, दो कर लिया तीसरी कर लिया, वो सिर्फ इसलिए करते हैं जब काजी कहता है लड़के को बुलाओ तो उसको अच्छा लगता है, लड़के को बुलाओ खुश होता है। वैसे क्रिकेटर जब होते हैं ना या लंबी लंबी उम्र के हैं, जब कहते हैं ना लड़के अच्छे नहीं खेले तो ये खुश होते हैं। तनख्वाह छुपाता है, उम्र नहीं छुपाता। नहीं आजकल सब उम्र छुपाते हैं, आजकल तो मर्द ज्यादा छुपाते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं मुझे लगता है करियर। मैंने कभी नहीं छुपाया, मैं 35 का हूँ खुलेआम बोलता हूँ। अच्छा खुलेआम 35 साल 25 मुझसे कम से कम 15 साल बड़ा और 3 मन बड़ा है। 15 साल 3 मन किस पे मैं बहस करूं, कौन से उम्र पे बहस करूं कि वजन पे? खवातीनों का होता है, एक माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी कुछ भी उम्र बताना, कम से कम मुझसे 9 महीना कम बताना। और लड़कियां इस मामले में कफायशार होती हैं, 30वीं सालगिरह में भी 20 मोमबत्ती जला रही होती हैं। देखिए जरा ऐसा ही है ना, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। उम्र देखिए, उम्र हमेशा मैं कहती हूँ एज इज जस्ट अ नंबर। और बड़े मजे की बात बताऊँ, हम तो इसके ऊपर बड़े जोक्स भी होते हैं, लेकिन कई हीरोइनें अब 25 से आगे जा ही नहीं रही, बड़ा आगे खड्डा है। देखिए देखिए जिस तरह मेरी अम्मी के सुनहरे अल्फाज में हमेशा कहती हूँ, कहती बेटा जब आप 20 क्रॉस कर जाओ ना, फिर 5 साल में एक सालगिरह मनानी चाहिए। बिल्कुल, आपको कभी भी हर साल सालगिरह नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि फिर पता सालगिरह तो मनानी नहीं चाहिए। साल जब गिर जाता है ना तो आदमी सोचा करेगा एक साल गिर गया है मेरा, मैंने क्या किया। डिप्रेशन, आज जैगम साहब की बर्थडे पे हम कैसी डिप्रेसिंग बातें कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अरे सालगिरह मुबारक हो भाई, मेरी दुआ है सांप बनो। हैप्पी बर्थडे, अब हमने क्योंकि अनाउंस कर ही दिया है, हैप्पी बर्थडे गा कर विश करेंगे। चलो हैप्पी बर्थडे, happy birthday to you, Zegam. Happy birthday, happy birthday to you. Wow. वो अंग्रेज नहीं है, जैगम को अंग्रेज है क्या? ये अंग्रेजों का ही गाना है। अच्छा भाई सालगिरह मुबारक हो, तुम सदा जियो, तुम्हारे काम में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की फरमाए अल्लाह ताला, तुम्हें अल्लाह ताला सेहत दे। आमीन आमीन आमीन। और मेरी भी यही दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप इसी तरह अपनी सालगिरह बनाते रहें। लड़कियां तो साल में 4 मनाती हैं। क्या सालगिरह क्यों? सिर्फ गिफ्ट की वजह से। इधर एक दफा भी मिल जाए, कई मुल्कों में लोग जाते हैं, आर्टिस्ट जाते हैं तो वो जहाँ भी जाते हैं सालगिरह मना लेते हैं, हर शहर में पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अच्छे कौन है, मुझे नाम नहीं, नहीं, नाम नहीं, नाम नहीं, 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 ये तो ये तो कोई बात हो जाएगी। नहीं नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो वहाँ पैदा हो जाते हैं, उनकी पैदा हो जाती है फिर, मतलब उनकी भी पैदा हो जाती है ना गिफ्ट वगैरह सालगिरह में। अच्छा मुझे तो ये पता है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो अगर आप कहीं पर बता दें किसी होटल में कहीं भी कि आज इनकी बर्थडे है, तो आपको कुछ ना कुछ फ्री मिल जाता है साथ में। हाँ, खाने पीने के लिए रायता तो मिल ही जाता है। शायद इस वजह से जो है ना वो ये बताते हैं। अच्छा मुझे बताइए, पिछली दफा जब आप यहाँ पे आए थे तब से अब तक जिंदगी में क्या नई डेवलपमेंट हुई है, क्या काम हुआ है, क्या इरादे हैं? नहीं काम तो जैसे आपने बताया ना, अभी मैं 8-10 महीने से इंडिया नहीं जा रहा हूँ, तो मेरा एक शो चल ही रहा था कॉमेडी नाइट बचाओ के नाम से। अच्छा जो रोस्टेड शो था, मतलब एक आर्टिस्टों को रोस्ट करना होता था। अच्छा ये क्या कहेंगे आप इसके बारे में, जो नया ट्रेंड है लोगों को, मतलब अगर आम अल्फाज में शो ही ऐसा ही था। हाँ तो हम क्या कर रहे होते हैं, वो शो का फॉर्मेट ही ऐसा था। अच्छा
एक होता ना कि आप किसी को बुला के मतलब सामने उसको कुछ कह दें, लेकिन उस शो का फॉर्मेट ही यही था कि रोस्ट करना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये रीसेंट आई थिंक सो इयर्स में ये चीज बड़ी आम हुई है। और लेकिन ये पाकिस्तानी बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, अरे आप किसी रोस्ट करें, ऐसा करें मखमल में लपेट के ताकि उसको भी बुरा ना लगे, वो भी इंजॉय करें, वो भी इंजॉय करें। डायरेक्ट जो होता है ना, कई लोग कहते थे वो देखो बैठे हुए जिंदगी में कभी एक्सप्रेशन आया नहीं, अब किसी को आप कहोगे सामने ऐसा तो बहुत बुरा है ना। आप उसी को लपेट के कुछ कर दोगे तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, रोस्ट का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्ट बेइज्जती। हाँ, लेकिन हर किसी को नहीं करना आता ना, इसलिए आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग ज्यादा बेहतर। पाकिस्तानी आर्टिस्टों को ये मतलब आता है, ये काम आता है। अच्छा, उनको इतना नहीं है सही पता कि किस तरह, लेकिन हम लोग अच्छा ही करते हैं, बेहतर करते हैं। सुबह शाम बेइज्जतियां तो कर रहे होते हैं हम लोग एक दूसरे की, और क्या कर रहे होते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो मुझे लगता है काफी अरसे से जो ये आम, स्पेशली हमारे अवार्ड शो, हमारे पॉलिटिशियन नहीं कर रहे सुबह शाम एक दूसरे को। मुझे बहुत अच्छी कॉमेडी निकल के आती है। सीरियस नहीं लगते उनके ओपिनियन, मुझे मजा आता है। मैं कहता देखो अभी ये इल्जाम लगाएगा वो डिफेंड नहीं करेगा, बोलेगा मैंने ये किया तुमने ये किया। मजे की बात है कि डिफेंड नहीं कर रहे होते, अपना अपना भी तो बताओ। हाँ। और पब्लिक कितनी बेवकूफ है, दोनों की बुराई सुन के फिर सोच रही है, फिर चूज करती है ना कि ज्यादा बुरा कौन सा है। नहीं, कि अच्छा ये थोड़े कम, नहीं, नहीं, कम तो कोई नहीं है। अच्छा, छोड़ दे। अच्छा, अल्लाह इनको जिंदगी दे। हाँ। कयामत तक। रूपलाला पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कोई आपके? देखते मेरा जिंदगी में है, सोचा जाना है, मुझे जाना है। अच्छा, लेकिन जब साफ सुथरा हो जाएगा, जब सियासत में गालम गलौज खत्म हो जाएगी और बेहतर तरीके से होगी, मतलब मार धाड़ वाली सियासत नहीं चलेगी। तो उम्मीद है कि कभी बहुत जल्द हो जाएगी? नहीं, जल्द नहीं। हाँ। मतलब जब देखूंगा कि हाँ आप सियासत करा जा सकता है या पॉलिटिक्स में जाके, ये कोई फ्लाई काम मतलब उसमें किसी पार्टी को ज्वाइन करके किसी अच्छी पार्टी को करके कोई काम अच्छा हो सकता है तो जरूर करूंगा। लेकिन अगर यही हालात रहे तो नहीं, जरूरी नहीं है कि सियासत में आके आपने कौम की खिदमत करनी है, वैसे ही आप कर सकते हैं। वो जो हम सोचता हूँ हम करते हैं, वो तो करते हैं, लेकिन ये जो है ना गंदी हो गई बहुत सियासत जो है ना। तो शुक्र है असेंबली हॉल के साथ घर नहीं लोगों के, फैमिलीज के, वो ना कब के शिफ्ट हो जाते, वो बच्चे खराब हो जाते होंगे, इतने गालम गलौज होती है जिस तरह की। अच्छा, आपने कहा जरूरी नहीं सियासत में आके आप कौम का भला करें, आप वैसे सीट पे, आप वैसे भी सीट पे बैठ सकते हैं। मुझे लगा शायद नहीं, आप वैसे आप इस्लामाबाद वाले लोग हैं, आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। असल में कुर्सी का है झगड़ा, शायद आपने ये झगड़ा कुर्सी का ही है। पता पाकिस्तान में चटाई सिस्टम हो जाए, एक चटाई बिछा दो और जितने भी लीडर है सबके नाम वजीर आजम रख दो, झगड़े खत्म हो जाए, बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, प्रोटोकॉल के हैं ना। मैं आपको बताऊं ना, सब इसी चीज के मोहताज हैं, प्रोटोकॉल होना चाहिए। सीट वीट क्या है, आप देखे ना मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं अल्लाह के यहाँ, तो जब खड़े होते हैं सफों में तो अगली सफ जो खाली होती है वो आगे वाला बुला रहा होता है, यार यहाँ आ जाओ, वहां बंदा नहीं जाता, मैं ठीक हूँ यार, ये सब थोड़ी होता है। सफे मुकम्मल करो, आप आगे आओ। तो इसी तरह सियासत में भी है कि अच्छे लोग आए, आगे आए, साफ काम करें, समझे। अभी उसी में जो जगहें खाली होंगी तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल जो है ना, प्रोटोकॉल खत्म हो जाना चाहिए। मैं खत्म हो जानी भी, ईगो खत्म हो जाए। गाड़ियां 20-20 25-25 30-30 भाई, मैं ह्यूस्टन में था एक दफा तो मुझे किसी ने बताया देखो ये गवर्नर है ह्यूस्टन का और ये लाइन में लग के बेकरी में डबल रोटी ले रहा है। हमारे लीडर तो डबल रोटी का बोलो भाई, डबल रोटी लेने जाए, मैं बीमार हूँ डबल रोटी लेने जाऊं, मैं ये माशाल्लाह डबल रोटी, मैं वो वाली खातून इस वक्त बनूंगी ना जो कहते नहीं वो छड्डो सानू की है, पूरी बुराई करके ना ढेर सारी। कनाडा के वजीर आजम को देखा ना आपने? किसको? कनाडा के। हाँ जी जी, वो देखा, वो बच्चों के साथ कैसा खेल रहा, वो बनकर उनका कोई डे होता है। हाँ। वो ड्रेस में वो जो वो है भी तो यंग एंड फुल ऑफ, वो देखो पब्लिक में कैसा घूम रहा है। भाई आप अच्छे हो गए, आप पब्लिक में आने से क्यों डरते हो? हमारे यहाँ तो जो नकली है ना, नकली परवेज मुशर्रफ बने हुए, नकली इमरान खान, वो भी प्रोटोकॉल ले रहा है, वो भी प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। हम प्रोटोकॉल नहीं, हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं ताकि हम अपना स्टीयरिंग जो है ना वापस घुमाएं। देखिए मुझे लगता है एक छोटा सा टू सेंस में ये कहूंगी कि एज अ कॉम हमें बदलने की जरूरत है, हम किसी एक को जो है ब्लेम नहीं कर सकते ना, सबको बदलने की जरूरत है। छोटी सी ब्रेक, नहीं तोड़ फोड़ नहीं, छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आप सारे। Thank you.
बैक टू मेक मुझे ऐसे फोन आपने बांटने हो मुझे दे दिया करें, मेरे पास कभी फोन थी कभी दे देना रोक ना, अभी वापस नहीं मिलेगा ठीक है, अब ये मेरा हो गया, अब ये चार्ज नहीं देखें इस शो में जो चीज हाथ में तरफ से ना टीटी से छीन के ले गई है बस ये ऐसे बांट रहे हैं तो आप इधर इधर मैंने कहा इसकी चार्जिंग कम हो रही है तो थोड़ा चार्ज पे लगा, क्या जरूरी है क्या जरूरी चार्जिंग की हमें ठीक है, किसी को तो छोड़ दे हम लोग तो मेहमान है, अच्छा वास्ता सुंदर सुना करो, मैं किसी का मांग के लाया हूँ क्यों हमारी बेइज्जती करवा रही हूँ, अब तो गया आप लड़कियों को ऐसे मोबाइल चाहिए तस्वीर बड़ी हो जाए, हमारे साथ है किरण, किरण जो है हमें आज क्या सिखाने जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, मैं ठीक ठाक हूं जी, तो आपके बारे में कुछ कहें, अस्सलाम वालेकुम, शाहरुख ने कहा था वाह आई लव यू कक किरण वो क्या करने जा रहे हैं आज आपने इन्हें बतानी है एंट्रेंस वर्कआउट करना, ये होता क्या है ये जरा किसके घर जाके करना पड़ता है ये नहीं नहीं जिम में इधर और अपने घर में और स्पेशली फैट लॉस इसको बताओ इसको जी 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 मैं इन्हीं की तरफ देख रही थी बार बार, अच्छा सबको छोड़ के ये इंटेंस वर्कआउट होता है ये यहाँ पे करते हैं ये ऐसे स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह जी मैं अल्लाह का शुक्र खाते पीते कराने का हूँ अल्लाह का करम है, नहीं तो आप क्या कह रहे हो नहीं पीते कराने के हां मैं खाते पीते कराने के ये दुनिया में अनाज खत्म करने आया है एक आदमी का कि मैंने ये काम करना है नहीं आज अच्छा आज इंटेंस वर्कआउट बिल्कुल इंटेंस मतलब कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, वैसे स्टार्ट तो बिगिनर तो हम अब वो टाइम गुजर गए जो हमने बार बार बिगिनर के लिए किया ना, तो अब ज्यादा इंटरमीडिएट के लिए और जो मतलब तो तीन मंथ से ही वो कर रहे ना तो आज करवाना आज उनके लिए हाँ थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि अक्सर जो प्लेटी होती है ना जो वेट लॉस जो वेट है ना स्टक हो जाती है सो उसके लिए जरा एक दफा अगेन जो है ना एक झड़क देने के लिए तो करना अच्छा कि दोबारा से जो है ना अगर आपका वेट रिड्यूस होना रुक गए आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा तो उसके लिए फिर ठीक है तो वाय लेकिन वो जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज करें फिर ठीक है, मैं यही खड़ा हुआ उसे जाने तो कोई मसला नहीं, आप मेरे साथ आ जाएं हम आपको एक्सरसाइज करने तो हम चाय शाय पीते हैं तब तक चलिए जी चाय पीते हैं आप बताएं जरा तरफ मेरा वजन भी कम करूं बिल्कुल इंशाल्लाह आप देखिए देखिए ओके राइट ठीक है स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कआउट आज जरा जैसे मैंने इंटेंस वर्कआउट कहा तो जाहिर थोड़ा सा इंटेंस ही है और साथ टोटल आपके वही आपके साथ जो है ना स्टेपल होने चाहिए और साथ आपका यही जो जो डंबल है जो 1-1 कीजिए है तो आपने इसी को आप यूज़ करना है ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो लास्ट टाइम बताई कि मतलब आपने वेटेड डंबल ज़्यादा ले इससे नहीं अब आप कम वेट से करना है ठीक है, लेकिन आपने करना है क्या इंटेंस ठीक है, इसमें थोड़ा सा कार्डियो ज़्यादा है रेस्ट कम है और क्या है कि आपका जो फुल बॉडी वर्कआउट है स्पेशली आपके टमी को राइट ऑल्दो कि हमें यहाँ आपके एक्सरसाइज टमी की एक्सरसाइज एक ही दो करवाऊँगी लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपकी फैट बर्नर है ये यही से होती है ठीक है, अब हमने करना है देखिए मार्शअप करना है विद डंबल के साथ लेकिन साथ साथ आपका जो हाथ का जो मूवमेंट है वो प्रेस के साथ से है ठीक है, ये देखें वेरी नाइस ये देखिए आपने तकरीबन 1 मिनट जॉगिंग या रनिंग करना है राइट जस्ट अ मिनट ओके नाउ हो गया ओके नाउ इसको स्ट्रेट रखना है और आपने सीकी करना है ठीक है, ये देखिए लाइक दिस 1 2 3 4 5 आपने की पोजीशन में आपने स्क्वाट पोजीशन में भी स्टैंड होना था लेकिन आपने थोड़ा सा 1 लेग को आपने आगे करना फॉरवर्ड करना 1 लेग को बैक रखना है ठीक है, इसी तरह आपने दूसरा 3 4 5 अच्छा यहाँ मैं हमेशा आपको कहती थी कि आपकी बैक जो है ना स्ट्रेट हो, अब अगेन आपको कहती हूँ कि आपके बैक जो ना स्टिफ और स्ट्रेट हो, टमी को अंदर करना है लेकिन थोड़ा सा अपने आप को बैंड रखना है आगे फॉरवर्ड करना है ठीक है, आपने कभी सिक्की से सुना होगा देखा होगा यस, अब देखें अब अगेन क्या करना है मार्श भी करना है और साथ साथ में डंबल को अप एंड डाउन कर रही हूँ राइट ओके दैट ओ दैट्स ऑल स्टार्ट करते हैं इसके साथ
ठीक है राइट आना है थोड़ा सा अच्छा स्टेपल मेरा यहाँ बिल्कुल लो है तो आपने थोड़ा सा उसको हाई रखना है ठीक है ठीक है यहाँ था है ना वन पंच करना है और वन किक मारना है ठीक है वन पंच एंड किक ठीक है अगेन पंच एंड किक पंच किक पंच किक पंच किक ओके नाउ दूसरा इसी तरह सेम पंच किक पंच किक पंच किक पंच किक किक किया है ठीक है साथ इसी तरह अब दूसरा है यहाँ ये देखिए यहाँ आपने टर्न करना है बिल्कुल स्ट्रेट रखना है यही सामने जाना है देखे वन टू थ्री फोर फाइव डन एक सेकेंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन राइट अच्छा ये तो मैं टेन किया है लेकिन आपने टेन के हिसाब से नहीं करना है आपने करना है वन मिनट राइट जितने मैंने आपको तीन एक्सरसाइज भी बताया उसको आपने वन मिनट करना है अब आगे हमने थोड़ा सा देखे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया ओके अगेन डीप ब्रेथ आशा ओके स्क्वाट पोजीशन में स्टैंड ओके वन टू थ्री फोर फाइव फुल डाउन होना ठीक है इवन आपका जो है ना हाथ से टच होने चाहिए ये देखिए मेरा टच हो रही है ओके नाउ राइट लंज डन ओके नाउ हाई नील डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल आउट यस ओके डन ओके नाउ हम करते हैं क्या सात सात लेटर लेस एंड रंजेस वन टू थ्री फोर फाइव ये क्या है आपका साथ साथ एक्सरसाइज हो रहे हैं एंड कार्डियो मैंने मिक्सअप किया है दोनों को कम्बाइनेशन ऑफ कार्डियो एंड कम्बाइनेशन ऑफ वेट ट्रेनिंग एज वेल इंटेंस वर्कआउट रेजिस्टेंस देखिए शोल्डर बैक एंड ऑल्सो योर टमी ओके नाउ अगेन मार्शल ओके करते हैं क्या डेड लेफ्ट राइट यस अच्छा यहाँ हमेशा बताई हूँ जब आपने डाउन होना है हल्का सा बहुत कम अपनी नी को बेंड कर दीजिएगा बैक स्ट्रेट करना है और फोकस अपने लोअर अब्डोमन के या लोअर बैक को देना है बिल्कुल थ्रू आउट फोकस और स्ट्रेच करना है यस आपकी ग्लूटस शोल्डर हैमस्ट्रिंग स्क्वाट एंड कफ डन पुल अप राइट एट एंड डन ओके टेक अ सिप ऑफ वाटर एंड रिलैक्स फॉर ओनली 30 सेकेंड After 30 seconds, again you have to start this exercise. Then साथ में आपको एक और ऐड करनी है क्या है आपका टमी एक्सरसाइज राइट ठीक है ये देखें वन टू थ्री फोर अच्छा ये आपने वन मिनट करना है जब आपका सांस बंद रहे होते हैं टमी को फिर दर्द हो रहा है तो आपने स्टॉप वॉच स्टॉप करना है 10 सेकेंड आपने होल्ड करके उसको जब ठीक हो जाएगा वापस अपने पोजीशन में स्टॉप वॉच आपने लगाना है और साथ आपने स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Done. Okay, same. Yes, ये पकड़ना है. 1, 2. इसे क्या होता है, थोड़ा सा आपको रेस्ट मिल रही होती है, लेकिन हाथ ने इसको सिर्फ 20 करना है. जब आपने थोड़ा सा नीचे जाते हैं, बैक जाते हैं, तो आपका क्या होता है कि थोड़ा सा रेस्ट मिल रही होती है. लेकिन उसके बाद दोबारा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. आपने ये किया, जब वापस आना है अब आपने करना है विदाउट रेस्ट. यस, ये आपने टोटल 1 मिनट करना है. डन. यस, तो ये आपका हो गया टमी के. टमी के आपने अगेन आपने रेस्ट लेना है. रेस्ट के बाद आपने एक्सरसाइज करके अगेन आपको एक और एक्सरसाइज बताती हूँ. इसके साथ आपने ऐड करना है, ठीक है, जो 3 स्टार्ट करवाया है वो. उसके बाद आपने जो मैंने एक रेस्ट के बाद आपको मैंने जो एक्सरसाइज ऐड करवाई है वो आपने साथ साथ करना है. राइट, अब वही है दोबारा से. ये तीसरा राउंड स्टार्ट होने वाला है. आपने बाकी वही एक्सरसाइज करना है, उसके बाद फिर एब्स का करना है, फिर ये आपका जो है ये करना है. इसके लिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम, ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है. आपने यहाँ से आपने जंप करना है, फिर स्क्वाट पोजिशन में और 2 पंच करना है. फिर अगेन आता है राइट जंप एंड करना है, ठीक है. दोबारा से देखिए पोजिशन बैठ के, इसको हम फ्रॉग जंप भी कहते हैं और स्क्वाट जंप भी कहते हैं, ठीक है. लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना वो फ्रॉग ही तो है. यस, देखिए आप स्क्वाट पोजिशन में यहाँ से आपने फुल जंप किया है और पंच किया है, ठीक है. और अपने बैक को आपने प्लीज़ 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 1000 बार आपसे यही बात कहती हूँ कि आपकी बैक जो है शुड बी स्ट्रेट. राइट, आपने अपने बैक को फॉरवर्ड नहीं करना और मूवमेंट भी नहीं देना, ठीक है. ये देखें, बैक स्ट्रेट, जंप एंड पंच. जब आप पंच करते हैं तो इसके जो डंबल है वो आपने स्क्वाट पोजीशन में, स्टिल स्क्वाट पोजीशन में हो तो फिर आपने पंच करना है, ठीक है. ये आपने करना है 20. अच्छा, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम भी है, मतलब ज़्यादा स्पेस है ना, तो आपने कॉन्सर्ट भी जा सकते हैं. नाउ स्ट्रेट, ओके, डीप ब्रेथ, नाउ इनहेल एंड अप. राइट, ये देखें अब आपने टोटल कितना है, 10 मिनट आपने ये करना है, ठीक है. यहाँ थोड़ा सा आपके जो वेट है, जो प्लेट लेना है वो, लेकिन वेटेड प्लेट हो. 5 kg यहाँ, 5 kg यहाँ, तो आपने साइड बाई साइड कर. यस, ये आपने काउंट नहीं करना, ये आपने करना है मिनट के हिसाब से, ठीक है. स्टॉप वॉच रख के, ये जो वर्कआउट मैंने आपको बताया है टोटल स्टॉप वॉच से है, ठीक है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अच्छा, अपने शोल्डर को अप एंड डाउन नहीं करना है, सिर्फ फोकस आपने लोअर बेली को देना है और आपकी लव हैंडल, जैसे आप लोग लव हैंडल कहते हैं, उसको फोकस रखना है, ठीक है. द फर्स्ट, इसका 3 फॉर्म है. फॉर्म नंबर 1, जो आपका जो लेग्स है, ठीक है, वो होना है थोड़ा सा वाइड. राइट, ने वाइड रखना, इतना भी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं रखना जितना आपका शोल्डर है, ठीक है. अगर 15 इंच का शोल्डर है तो यू हैव टू स्टैंड इन 15 इंच शोल्डर, ठीक है. यस, विद, ये देखें आपने करना है 1, 2, 3, 4, 5. ये आपने करना है तकरीबन 5 मिनट, इसी तरह लगातार 5 मिनट करते जाएं. उसके बाद आपने दोनों जो हैं, एक को रख के वन हैंड को आपने फ्री रखना है और अपने शोल्डर या अपने हाथ की तरफ रखें. लेकिन अब अपनी जो नी, जो फीट है, उसको करना है क्लोज, ठीक है. अब करना है एक ही साइड पे. यस, आपने भी करना है, कर दीजिएगा. यस, वैसे आपको है शौक है, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा शौक है. मेरा दिल कहता है 24 घंटा यही करता रहो. ओह नो, वाओ, गुड. आप क्या? यस,
दूसरी तरफ आप तो मुझे चाइना आप तो मुझे चाइना की गुड़िया लग रही है, महंगी वाली वो सस्ता वाला लग रहा है। आप थक नहीं गई? नहीं। आप मेरे सांस फूल रहे आप कर रही थी। नहीं भाई बहुत बहुत फिट रखा हुआ इन्होंने माशाल्लाह से, और आप लोग भी करेंगे तो ऐसे ही फिट रहेंगे। और एक्सरसाइज करने से तो बंदा फिट रहता है। हाँ वो नजर आ रहा है मुझे, अल्लाह का शुक्र है। गाड़ी चल रही हो, गाड़ी में बैठा हूँ मेरा सांस फूलने लगता है, गाड़ी तेज चले मेरा सांस फूलने लगता है। सही सही माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बता रही थी, और जो आप करते वक्त बोल रही थी कितना मुश्किल काम, कितना मुश्किल है, मतलब एक्सरसाइज करते हुए बता भी रही है ना। अच्छा जो ये आप बता रही थी यूं करने का, इससे ये जो लव लव अंदर जो है ना उसको ठीक है, लव हैंडल्स, माशाल्लाह जो फारसी एक्सेंट है ना, लव ऑन डॉल्स वहाँ करते हम कि ये क्या कहते हैं यूं पकड़ के जो ये होता है, या बिल्कुल ये भी ऐसा ट्विस्ट जो हम इसको भी ट्विस्ट कहते हैं इसको भी, लेकिन ये क्या होता है कि इसके वेरिएशन है, हर एक्सरसाइज के कम से कम एक तीन चार पार्ट्स या वेरिएशन देते हैं। आप माशाल्लाह कब से सिखा रही हैं? मुझे 8 इयर्स हुआ है। शौक था आपको सिखाने का? यस बिल्कुल है ना। जी जी अच्छा, नहीं अच्छा हमारी बहनों को हमारी बेटियों को सिखाओ जी, ताकि फिट रहे। मतलब पुराने जमाने में औरतें दो बच्चों के बाद अदरक हो जाती थी। ऐसा ही यहाँ से निकल गए, यहाँ से निकल गए अदरक। अदरक की तरह टेढ़ी मेढ़ी, मतलब किधर से लाते हैं आप लोग ये वर्ड? कहीं नहीं, सब्जी मंडी से। और वो अब माशाल्लाह देखो आजकल की लड़कियाँ माशाल्लाह उनकी तीन तीन औलादे हो जाती हैं, चाचा वो फिट रहती है। स्लिम एंड स्मार्ट। मेरा एक जो है ना अपना एक ओपिनियन भी है, और एक कहते हैं कि अपना इस सेट जैसे एक बंदा बनाते हैं कहते हैं हेल्दी वुमन इज अ हेल्दी नेशन। हेल्दी वुमन क्या बात है, इतनी अच्छी बात कर दी आपने। के लिए वो किसी उसने भी कहा था ना, किसने अरस्तु ने कहा था तुम मुझे अच्छी माँ दे, किसने कहा था इसकी बात है कि तुम मुझे अच्छी माया दे दो मैं तुम्हें अच्छी कॉम दे दूँ। एग्जैक्टली यही होते हैं, तो क्योंकि हमारे बहुत खूबसूरत बात है, इस तरह की यही बात है। यही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज आपके लिए लाइंड अप है, बहुत मजे मजे। ये नहीं करूंगा मैं भाई। जो नहीं हम आपको हम आपको और एक्टिविटीज कराएंगे, बिल्कुल हेल्दी ना हो, ठीक है? हमारा फोकस होते हैं सिर्फ जो हंसाए आपको, और हंसना भी एक बहुत है। तो मेरे मुंह के ऊपर जो एटीवी होता है ना, ऐसे लगता है एटीवी बोल रहे हैं। हेलो जी, हाँ तो हम एक्टिविटीज जो करेंगे, वो देखे ना ऐसे मेरे यहाँ पे बना हुआ होता है ना, तो हम लोगों के पास बहुत मजे मजे की एक्टिविटीज है ताकि हम आपको हंसाएं और आपकी जिंदगी हम खुरेदें, क्योंकि हमारा काम है ये पूछें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो भी हेल्दी एक्टिविटी है, वो भी हेल्दी एक्टिविटी है, क्योंकि हंसाना और हंसना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, किससे ज्यादा मेडिसिन से ज्यादा काम करते हैं ना। और बात ये है कि हम तो समझते हैं कि हम लोगों को खुश करके यही हमारी इबादत भी है, यही हमारा रोजगार भी है। बिल्कुल इस तरह तो अपनी इबादत है ना बच्चा, तो नमाज जैसे भी पढ़ वो तो है, वो सारे कुछ है, लेकिन ये भी इबादत में शामिल है। किसी को खुश रखने में इबादत है, खुश कर देना। अच्छा आप लोगों का किसी लिए मुस्कुरा देना सदका जारिया होता है, किसी के चेहरे पर मुस्कुरा देना। ब्रेक से पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग इन्हें लाइव देखना चाह रहे हैं तो आज क्या हो रहा है? आज हमारा पीएनसी में जो एक फेस्टिवल आया है, मतलब 2017 का माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फेस्टिवल चल रहा है वहाँ पे, तो कराची से भी टीम आई उस फेस्टिवल में। पीएनसी जो ये पूरा नाम क्या है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, वहाँ भी ये शो हो रहा है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को खुली ऑफर है, आप लोग जो इन्विटेशन पे है आइए, फ्री शो है और एक खूबसूरत ड्रामा है, तो देखिए आके। और बहुत अच्छा है ये, इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए, ये इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान से ड्रामे आए हुए हैं यहाँ पे। इनको मैं बहुत सराहता हूँ इस काम को, इनके ये अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, होना चाहिए। सीरियस थिएटर भी है, कॉमेडी थिएटर भी है, तो आज जो शो है तो आज एक मेरा ख्याल है हमारा 7 बजे शावर का भी है, और हमारा शो जो है वो 6:30 बजे होगा, 6:30-7 बजे शुरू हो जाएगा। ठीक है किरण, आप लोगों को दावत है। थैंक यू सो मच किरण फॉर बीइंग हियर। हम छोटी सी ठीक है छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद एक्टिविटीज की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। अल्लाह जी हम लाइव हैं,
हम लाइव है यहाँ पर, हम घर में बैठे बात कर रहे हैं। ये मेरे मेरे शो पे यही होता है, यही तो कंफर्ट लेवल है जो हम चाहते हैं। चलता शो पाक होता है, आपकी आपकी जो अंदर की सारी बातें हैं ना वो बाहर आ जाए, इसी चक्कर में इतना हम फ्रेंडली माहौल में आते हैं। ज्वाइन किया है नहीं है भाई, हम लोग ऐसे ही है जैसे घर पे होते हैं, जैसे हम लोग घर पे होते हैं ना ऐसे ही है। दो बिस्कुट, दो बिस्कुट, बिल्कुल सही है। हमारा तारुफ होना चाहिए, मैं आपका तारुफ भी कराऊंगी। मैं सबसे पहले मियां नईम साहब को जो है इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हमारे बहुत फेवरेट एस्ट्रोलॉजर है ये, और हम लोग मंडे को जो है सितारों का हाल बताते हैं। आज हम बताएंगे ख्वाबों की ताबीर। तो बहुत से लोग हैं जो अपने ख्वाब हमसे शेयर करते हैं और उनकी ताबीर जो है वो सुनना चाहते हैं, और बहुत से मिथ्स हैं जो हमने तोड़े हैं यहाँ पे। लेकिन आज इसमें एक नया फ्लेवर हम लेकर आएंगे, ठीक है? तो जिन्होंने भी हमें आज ख्वाब भेजे हैं उन्होंने ऑफेंड नहीं होना, क्योंकि बड़े मजे की एक्टिविटी है कि आपके ख्वाब जो है मैं सुनाऊंगी, उसके हम आपको एक तो मियां नईम साहब जो ताबीर बताते हैं वो आपको बताएंगे, और एक हम आपको बताएंगे एक मज़ाहिया ताबीर, ठीक है जी? ताबीर में भी मतलब उसमें भी कुछ बातें होंगी, सेंस होगा, सेंस होगा, ठीक है जी? तो क्या कहते हैं, रेडी हैं आप लोग? रेडी जी, जी, जी। चले, मंगल को ही क्यों बताते हैं मतलब? ये अच्छा, पहला ख्वाब बड़े मजेदार है, और मुझे लगता है ये ख्वाब को नींद अच्छी आती है, पीर को नींद अच्छी आती है ना, ये ख्वाब अक्सर खवातीन को आता है, ठीक है? तो सुनिए जी, मैं अक्सर अपने शोहर को ख्वाब में दूसरी शादी देखकर, मुझसे बात कही नहीं जाए, इतना दुख हुआ मुझे। मैं अक्सर नहीं कहा जा रहा, अपने शोहर को नींद में दूसरी शादी करते हुए देखती हूँ, ठीक है? उनकी शादी हो गई होती है और मैं घर से निकल आती हूँ, प्लीज इसका हल बता दें क्या है। दूसरी शादी हो गई है और मैं घर से निकल कर आ रही हूँ, मतलब शादी हो चुकी है उनकी, घर आ अपनी बहनों को रात में नहीं सोया करे, दिन में सोया करे, दिन के ख्वाब सच्चे नहीं होते। गुड, बहुत अच्छी बात की। अच्छा यहाँ पे मैं आपको, होता है कि मियाँ बीवी में जब कभी कोई नोकझोंक या झगड़ा होता है, ये ख्वाब उस वक्त आता है, इनसिक्योरिटी की इलामत है ये। अच्छा, ये ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा कभी भी होगा, नहीं, ये नारी पे दही डाल के खाने पे भी आता है। अच्छा, नारी के साथ अगर दही खाओ ना तो भी आता है, आता है। अच्छा, जैसे उन्होंने बताया दो चीजें ये नोट कर, बदहजमी से भी होते हैं ना उल्टे ख्वाब सीधे आते हैं। मगर ये औरत जो निकल के जा रही है, इससे पूछोगे भाई तू किधर जा रही है, वो भी आपको थोड़ी पता, मुझे थोड़ी पता मैं के जा रही हूँ। अच्छा, इधर भी किसी ने ये नहीं कहना कि जो उसने शादी कर ली उसको पूछ रहे, औरत कहाँ जा रही है? मर्दों की शादी होती है ना वो इसलिए करते, शादी इसलिए करते हैं कि दोजक में जाए तो जगह नहीं ना लगे। कितनी बुरी बात, मजलूम है हम लोग, इतनी हम जिंदगी हराम करते हैं, जन्नत के परिंदे हम लोग, सुंदर अलग बात है, हम उठ नहीं सकते अपने वजन की वजह से, ख्वाब तो रह गया यार, उसे पूछने तो दो। नहीं, उन्होंने क्लियर बता दिया, मैंने तो बता दिया कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खौफ और इनसिक्योरिटी। हाँ, घर में झगड़ा मत किया करें ना, बहनें हमारी झगड़ा ना करें, तो ये ख्यालात आएंगे नहीं। अच्छा, जब ये ख्यालात आते हैं ना तो फिर वो ख्वाब में भी आते हैं। एग्जैक्टली, अपनी की सोचें, आपका दिमाग भटकता है ना, भाई अल्लाह ये कहीं ये रजिया रजिया की बेटी क्यों आती छत पे, जब रजिया की बेटी को दिन में छत पे देखते तो ख्वाब में भी आ जाती है वो। भाई सारा दिन अगर वो सोचे सोचती रहेंगी तो फिर इसी टाइम वही ख्वाब बनेगा। मैं भी ये कहता हूं, आप सोचे कि आपके मियां ने आपसे शादी की 10-12 दफा, आप ही से की, आप ही की, मियां को छोड़ दो खुला घूम फिर के, मियां को छोड़ दो, हां ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। आप किसी मर्द पे शक, बीवी है जो शक करते हैं तो मैं ये कर रही हूँ, वो नहीं, फिर वो बोलता है शक तो हो ही रहा, कर लो। ये बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन है कि यहाँ एक खातून इस पूरे स्टूडियो में, अगर मैं सिर्फ एक मैं वाहिद खातून, तुम भी मुझे रख लो, छोड़ो कितनी में लड़ाई करूँ यहाँ पे। अच्छा जी, अगला ख्वाब, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। अच्छा जी, एक ये कि ख्वाब में पैरालाइज की हो जाते हैं, वो जो जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल बॉडी आपकी स्टिल हो जाती है। मैंने सुना है कि जिन्नात आपके इर्द गिर्द घूम रहे हो, तो वो जो कभी कभी होता है ना, आपको लगता है कि आप जाग रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी नहीं, बॉडी हिल नहीं रही होती, वो होता है ना कभी कभी, ऐसा होता है जैसे आवाज दे रहा है तो आवाज नहीं निकल रही, हाथ चलाना चाह रहा है तो कोई नहीं, होता है सीने पर हाथ रख के सोने से ज्यादा।
मैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑक्सीजन जब ब्लॉक होगी, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, जिसमें ऑक्सीजन कम जाएगी ना, उस वक्त ये होता है। और अमूमन ये किसी ऐसी साइड पे, जैसे दिल की एक तरफ अगर हम सोते हैं या हार्ट पे वजन रख के सोते हैं, उस वक्त ये कैफियत पैदा होती है, क्योंकि ये नेचर का अपना एक प्रोसेस है कि इमीडिएटली आपको जगाता है, आप मूव करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बदलती है, उसे ऑक्सीजन जिसमें आती है और खून का दौरान बढ़ता है और आप नॉर्मल। ये नींद जो है ना मौत की एक छोटे से किस्म है। सारी डराने वाली बात है, वही मैं कह रही हूं, मतलब ये आज ये सोच के आए हैं, कल प्लेन में आ रहे थे, पता नहीं इसने क्या कहा, वो उसने ही पीछे बच्चा रोने लगा है, अम्मी ये वो कह रहा है आपको अच्छा उसको कहा ओवरटेकिंग ना करे, हां आज से चला है वो ओवरटेक ना करे, वो बच्चा था बहुत पढ़ा लिखा बच्चा था, वो ओवरटेक हां मम्मा से बोले वो इस्लामाबाद के बच्चे तो माशाल्लाह आपको पता है, एक हमारे बच्चे होते हैं माशाल्लाह। वैसे वो क्या कहता है वो कौन, अगर आपके बच्चे होते वो पायलट को जाकर गालियां देगा तो सीधी सीधी हमारा बच्चा सीधा चलाना क्या हो गया तुझे आ चुका वो सीधा ये कह रहा था, मतलब ये है कि इस तरह के हो जाते हैं ना अगर सोते में तो ये समझ लो या तो बंदे को टेंशन है सुबह बिजली का बिल देना, अच्छा ठीक दिल जो बैठे जा रहा है, जो बैठ रहा है नींद में आज पर चला रहा है ना ये, और कुछ ये नहीं। ये मुझे लगता है बिल्कुल सही बात नहीं, है नहीं, 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 नहीं होते वो उस वक्त एटलीस्ट नहीं होते वैसे तो है, तो आपने डरना नहीं। मेरे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं रोजाना आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, और आज ख्वाबों की ताबीर के हवाले से मैंने ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर पूछना चाह रही थी। जी जी पूछिए। मैंने देखा कि एक इमारत होती है, उसकी छत पे मैं खड़ी होती हूँ, तो उसके साथ ही एक और छत साथ मिली हुई होती है किसी कमरे की, तो जब मैं गौर से देखती हूँ तो वो खाना काबा की छत होती है, तो मैं कहती हूँ खाना काबा तो बिल्कुल दरमियान में है, हरम में सहन के दरमियान में है, तो ये इस दीवार के साथ कैसे लग गया। फिर मैंने खाना काबा की छत को बोसा दिया और बहुत मैं खुश होती हूँ ना कि मैंने खाना काबा की छत के साथ वाली छत पे खड़ी हूँ और मैं उसको चूम रही होती हूँ, और उसके बाद इतनी मैं एक्साइटेड होती हूँ कि मेरी आँख खुल जाती है। तो इसकी ख्वाब बड़ा अच्छा ख्वाब, बड़ा नेक है, बहुत खूबसूरत है। और अलावा आपका हुक्म, आप जाने वाली हैं उमरा या हज पे जाने वाली, बड़ी जो शदीद आपकी ख्वाहिश है मुझे इसकी ताबीर बता दें। जी जी बिल्कुल, आपकी जो बड़ी शदीद किस्म की उम्रे की या इन जाने की ऐसी मुकद्दस मुकामात पे सादत हासिल करने की है, ये उसकी शदीद ख्वाहिश है, डिजायर है। अब इसके लिए कोई अमली कोशिश भी कीजिए, अमली कोशिश करेंगे तो आप यकीनन उस तरफ चले भी जाएंगे और अमली तौर पे भी ज्यारत कर सकेंगे, लेकिन कोशिश करना फर्ज है। ये ख्वाहिश और ख्वाहिश इंडिकेशन ये है कि ऐसा हो सकता है, अगर आप इसके लिए कोई कोशिश। और कहते हैं फजर के टाइम पे जो ख्वाब होते हैं ना वो मतलब हकीकत पे होते हैं, फजर में जो ख्वाब लोग देखते हैं ना सुबह अजान के टाइम पे, वो उसकी मतलब वो लगता है कि वो सच्चे ख्वाब होते हैं उनकी, जरूर कोई वो कहते हैं 4 बजे से 5 के दरमियान। नहीं नहीं, लेकिन नहीं भाई ये मैं हकीकत बताऊँ आपको कि जब मैं मुझे अक्सर ये ख्वाब आता था कि मैं खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ रहा हूँ। अच्छा। हाँ मुझे अक्सर आता था, या मैं तवाफ कर रहा हूँ। ठीक है। 2006 के जब मैं लाफ्टर विन करने के बाद जब आया ना, वहाँ से लेकर अब तक मैंने उम्र बेशुमार की, हर साल जाता हूँ, हज किया, पूरे घर वालों को उम्र करवाए, तो ये एक निशानी है मेरे हिसाब से कि आपको अल्लाह ताला ने बुलावा आ रहा है तो दीदार करा रहे हैं और आप जा भी सकते हैं। और कहते हैं ये जब खाना काबा का जहाज उम्र की बात है, जब मैं उम्र पे गया था मुझे किसी ने कहा कि पहली दुआ कबूल होती है, तो मैंने कहा यार मैं चालाक बन गया अपने तौर पर ना, मैंने कहा जाके पहली दुआ यही करूंगा अल्लाह से कि अल्लाह जो मैं मांगू ना वो कबूल कर रहा पहली दुआ, आप यकीन कीजिएगा भूल गया मैं, भूल गए उसकी कैफियत, नजर पड़ी है कैफियत, पहले नजर पड़ी और एहतराम से आंख खुद ब खुद झुक गई, वो कैफियत और हो जाए झुक गई, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना आपका, मतलब कुछ मांग नहीं सका जो है ना ये आप ऐसा लगता है सजदे में चले गए झुक गई हो, भूल जाते हैं आप सब, बिल्कुल वो एक अलग ही कैफियत होती है अल्लाह ताला सबको जो है ये नसीब, अल्लाह हर मुसलमान मोमिन को उमरा और हज अता फरमाया करना आदा, आमीन। और इन्होंने जिन्होंने ये ख्वाब देखा हमारे लिए दुआ के लिए भी अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द इंशाल्लाह जाएंगे इस ख्वाब को ताबीर करें, आमीन आमीन। अगला सवाल वो उन्हीं का मैं कंटिन्यू करूंगी जिन्होंने कहा था कि कुछ सवाल पूछने, दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि ज्यादा खाना खाने से ख्वाब डरावने क्यों आते हैं। एग्जैक्टली ये उन्होंने अभी जो बात की, असल में बिल नहीं देते ना उनको आते,
जो बिल नहीं देते इसे ही खा के निकल गए दोस्त। बदहजमी होती है उसलिए कि जब दबाव गैस का बनता है और वो लंग्स और हार्ट पे जब आता है ना, उस वक्त वो हमारी केमिस्ट्री बॉडी पूरी चेंज होती है और ब्रेन डिस्टर्ब होता है। अच्छा, ब्रेन डिस्टर्ब होता है कि जब बहुत सी मेमोरी एक वक्त में ना वो उसकी चल रही होती है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे डिफरेंट चीजें आ रही होती है, तो वो उस कैफियत की एक निशानी है। और अपना खाओगे तो नहीं डर लगेगा। अच्छा खाने के एक बात बताओ आपको, कि हर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हारा रिस्क उतारा, जब खत्म होगा वापस बुला लूंगा, यही है ना। तो भाई कम खा के जिंदगी बढ़ा लो। क्या बात है, देखिए बिल्कुल सही, कम खा के जिंदगी बढ़ा लो, उम्र बढ़ा लो अपनी, ढेर सारा खा के छोटी ना करो, कि आओ खाओ प्यार निकल जाए। देखिए जरा कितनी इसकी अपनी सोच है, खाली रखते थे बिल्कुल ठीक। देखे वो नहीं आते किनको, एक किस्सा खाली रखे, खुदा ख्वाब तो बहुत दूर है, उसको नींद भी नहीं आती, सुबह 6 बजे तक तो टीवी देख रहा होता है, जो बंदा रात को 10 बजे खा के फिर 3 बजे खा रहा हो, फिर सुबह बाजार में खा रहा हो, ये तो पूरा पाकिस्तान खा जाए आजाद। अच्छा मेरा खाने को पता है, मैं पता क्या, मैं मेरा खाने इनको पता है कि मैं कितना खाता हूं, थोड़ा थोड़ा खाता हूं, इतना इतना सा खाता हूं, हां मगर बहुत, मतलब जब भूख लगती है, मैं क्या, मेरा मुझे पता, मैंने रात का खाना खाना है तो मैंने अगर 10 बजे खाया तो पेट भर के खा लिया, इसके बाद फिर कैसा भी खाना, बाकायदा फायरिंग करता, फिर मैं नहीं खाता, फिर खाता ही नहीं हूँ, रोटी का गिरबान पकड़ लेते हैं, मैं अपना राशन खुद लेके आऊंगा, कोई मतलब नहीं, अपना मेहमान का खाते हैं, अपना नहीं खाते, मेहमान अपने नसीब का लाता है। एक साहब गए खाने पे, तो बच्चे ने कहा जब खाते तभी आ जाते हो, तो उसका बाप कहने लगा बुरी बात है, मेहमान अपना रिस्क साथ लाता है, आ भाई क्या लाए हो। नहीं भाई, खाने पे जो है कभी भी नहीं लड़ना चाहिए, जिसके बारे में बरकत उतनी होती है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, और मैं मेजबान कह रहा था मोहर दिखा दे मुझे, वो मोहर ही तोड़ दूंगा। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ख्वाब हम आपके जो साथ जारी रखेंगे, और वो एक्टिविटीज के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, वो इस ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं। ये क्या करवाने जा रहे हैं, ये पार्ट 5 है। अच्छा, लेकिन ये दुबई वाला है, ये पार्ट 2 जो था ये मतलब एक ही टाइप का। और रामे ने भाई सच्ची बात है, उमर भाई का शुक्रिया अल्लाह के बाद और फुरकान हैदर साहब का, कि इस ड्रामे से हमारी एक पहचान बनी पूरी दुनिया में। बिल्कुल, और हर किसी को इस ड्रामे का जो है वो पता है। आप लोग आगे आ जाइए, क्या मतलब है? इसकी मजदूरी की बात नहीं हुई थी, आइए आइए आइए। मैं सर से एक बात पूछना चाह रहा था, सर आप सिर्फ ख्वाब बताते हैं या किस्मत का हाल ही बताते हैं? मतलब बिल्कुल बताते हैं किस्मत का हाल, और ये साल कैसा जाएगा। जैसे मैंने कहा 2017 जो है वो 2017 वो पूरी दुनिया के लिए खतरा था, कोई अच्छा काम नहीं हुआ 2017 में, आप नोट करें पीछे से जनवरी से लेकर आज तक, डिपेंड करता है, मतलब बेहतर काम नहीं हुआ दुनिया में, सारे हौच पहुंच रहा है। हाँ, वो रोड कर रहे, कहीं कोई कोई ब्लास्ट हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, अमेरिका में फायरिंग हो रही है, तो कहीं पैरिस में, हम क्यों इतनी सीरियस बातें कर रहे हैं, डराने वाले क्यों कर रहे हैं, जब से आए मई आती है वो क्यों कर रही है। नहीं भाई, मुझे एक बात बताएं, अगर हकीकत से दूर भागना चाहते हैं, मैं एक 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 ऐसा सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जो सब पूछना चाह रहा हूँ, अगर चप्पल पे चप्पल पड़ी हुई हो तो इसका क्या मतलब है, हमारा सफर है, ये कोई बदतमीजी है? अगर तो किसी ने गुस्से से मारी और चप्पल के ऊपर चप्पल है, वो तो बदतमीजी है, बच जाओ फिर उससे। अच्छा, सफर में, और अगर उतारते वक्त खुद ब खुद चप्पल पे चप्पल आई है, नहीं बड़ी तो टेंशन होती है अक्सर, मतलब शकील घर पे जाता है ना तो चप्पल देके वापस हो जाता है, ओह माय गॉड चौधरी साहब आए। सफर पे सफर जो है ना, आइए जी आगे की बातें, मतलब मैं तो अपने घर पे उल्टा रख दूं और बीवी से को देखो मेरा सफर में जाना पड़ेगा, खुद रखना है, फौरन मेरे जाप पे 5 किलो घूस ले। अच्छा जी, अब बड़े मजे हम खेल रहे हैं रिवर्स कसौटी, कसौटी तो खेली होगी आपने। हाँ जी, ठीक है, ये रिवर्स कसौटी, इसमें करना ये रिवर्स क्या मतलब है, इसमें हम आपसे
इसमें हम आपसे सवालात नहीं पूछेंगे, आपने पेपर खोल के देखना है और पांच हिंट्स में पांच बातें आप बता सकते हैं, ठीक है? पांच हिंट्स में आपने अगले बंदे को गेस करवाना है कि ये बताएगा, जैसे मैं इसको बताता हूं ये बताएगा। हाँ ये बताएंगे, ठीक है? अगर आपने पर्ची देखी, आपने ने गेस कराना है, नाम नहीं बताया। एक वो खोलेगा, एक मैं खोलूंगा इस तरह से। ए हाँ ठीक है, चलें जी उठाइए एक। इतनी सी तो पर्ची है, कैसे नजर? इधर हूँ ना, ये झूमर है ना, देखें। झूमर कितना प्यारा है। आज फिर जीने की ये तो हमने बाद में गाना गवाना है आपसे, ठीक है? ये मैं रख लेती हूँ। चले भाई, हाँ शख्सियत है, आदमी है, बड़ी मेहरबानी, और आर्टिस्ट है, ये बता सकते हैं? दो हो गए, दो हिंट्स हो गए, तीन रह गए, तीन रह गए। नाक माशाल्लाह ऐसे ऐसी है, खरबूजा सुन के खरबूजा फाड़ दे। अच्छा ठीक है, तीन हो गए, तीन हो गए। दुबला पतला है, ठीक है, और एक इफ्तिखार ठाकुर। जबरदस्ती जबरदस्ती, ये जिस तरह बता रहे थे ना, खुदाई कसम उस जैसा मुंह होता जा रहा था। मतलब उसकी नाक पहचान है, मैं वही कहने लगा था कि मुझे भी समझ आ रहा था, नाक के साथ एक बच्चा लगा हुआ था। चले जी, हमारा दोस्त है, ए मेनू दे दो। चले हाँ, औरत है। बिल्कुल औरत है, बिल्कुल औरत, मतलब कभी लड़की भी नहीं रही। वो दौर में पता नहीं। अच्छा बता देगा ये, तो यही काम है, बतवाना ही है। आप बताओ, ऐसा बताओ, ऐसा करो, आप जीत जाओ। एक एक यही तो है, तो इधर ही खत्म कर दूं। नहीं, अगर आप ना गेस करवा सके ना, तो हाँ, आपका पॉइंट खत्म होगा ना। मैं खराब, मैं हार जाऊंगा। हाँ, अभी तक उनके पास एक पॉइंट है, उन्होंने गेस करवा दिया, अब आपने भी पॉइंट लेना है, गेस करवाएं। चलें, औरत अच्छा, है, गेस करवाना है। हाँ, औरत है, गड़वी है, गड़वी। अच्छा गड़वी है, ये तो जानबूझ के इसको पता होगा। नहीं 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 नहीं, चीटिंग होती है, अभी तक नहीं पता लगा। अच्छा, पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिंगर की वो कॉपी कर दी। अच्छा ठीक है, वो नसीबो लाल। किसकी कॉपी करती है, तो मुझे पता ही नहीं था मैडम। ये आप दोनों को मिला एक एक पॉइंट, ठीक है जी। चलिए, ये तो फॉरेन कर लेगा, ऐसे कर देगा, आप इंग्लिश बोलती है मीरा। ये इतना आसान। अच्छा, दो पॉइंट एक पॉइंट, अब आपने भी गेस करवा देखो कैसा। आप ऐसा पूछते, एक में बता दे आदमी, बिल्कुल सी पॉइंट ऐसा होना चाहिए। सही सही, ठीक ये बता दे। अच्छी बात है, अल्लाह जी, जीतना ही नहीं चाहते। टॉप का पॉप सिंगर है। अच्छा अब आगे बताओ, एक ही में बता देगा। नहीं नहीं, आगे नहीं बताओ, फिर मैं जीत गया ना, समझो उस हिसाब से। पाकिस्तान पाकिस्तानी है, पॉप सिंगर है, इंडिया में भी गाता है, तो क्या मर के जा रहा है? अभी गाता है इंडिया में, अभी भी गा रहा है। हाँ अभी, जब तू यहाँ आया तो वो कैसे गाएगा? अच्छा, किसी को हम सब यहाँ, मतलब तो बता दिया आपको, पॉप सिंगर है और इंडिया में भी मकबूल है, उतने यहाँ मकबूल है। सुपर हिट है यहाँ आज के दौर का वो। उनके गाने गा दे, उनके गाना गा दे, उनके गाने। आतिफ असलम होगा यार। अच्छा पता है क्या, इंडिया में हसन जहांगीर भी बहुत मशहूर हुआ है, अली जफर भी बहुत मशहूर हुआ है, आतिफ असलम भी बहुत मशहूर हुआ है। इस वक्त पॉप सिंगर है, इस वक्त पॉप सिंगर है, इस सबसे हिट है ये। हसन का क्या होता है, लड़े लड़े नहीं, तरीका ही होता है। अली जफर का बताओ कैसे, एक्टर प्लस सिंगर है। मैंने एक्टर का नाम खत्म हो जाती बात, एक्टर प्लस सिंगर है, एक्टर तो है नहीं वो। नहीं लड़े लड़े, बिल्कुल कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं, कोई बोलो इसमें से, लड़े ना, नहीं लड़े, इसमें से पर्ची निकाले, दो किनू भी गायब हो गए। अब मैं वो तो पूछूं, हां जी गेस करवाना है, उल्टा खोल लेना। चले जी, विलन
बहुत ऐसे तो पाकिस्तान मैं खुद बोल मैं उसको बहुत जलील करता रहा हूँ। वो याद तो है लेकिन याद नहीं आ रहा, तूने तो सारे सबको दो सवाल हो गए हमारे साथ आउटडोर में बहुत काम किया फिल्म में, तेरे साथ तो किया दो तीन आदमी विलन इनकी जरा क्लोजअप बनाओ ना, पहुंच तो गया हूँ नजदीक से लेकिन मेरी समझ बहुत जिद करता मुझे ले चलो इंडिया मत बताना ये राज खुल रहे राज खुल रहे मत बताना। मैं एक पहले में ही बता रहा हूँ, असल में तो ये इस पे ये होना चाहिए कि बता दे तो जीत जाए। छपके चीमा है इसके बिल्कुल जबरदस्त जी जबरदस्त। हेलो सॉरी मैं मतलब उससे मजाक बहुत करता हूँ, उसको उसके चीज़ें बहुत नहीं नहीं अब आपने गेस नहीं करने तो राज खुलते हैं नहीं नहीं बहुत सारे वो नहीं लव्स गाना वो वाला वो माफ ही चाहता हूँ। हंसी कैसे आई दो में बता देगा ये चले पाकिस्तान के बड़े डायरेक्टर हैं। आपको क्या लगता है कौन है पहले एक नाम तो ले। पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर मौजूदा हाँ मौजूदा भी कह सकते हैं सैयद नूर का तो नहीं पूछा। क्या बात है जी क्या बात है जबरदस्त। नूर साहब के साथ भी मैंने फिल्म की है। अच्छा जबरदस्त ओए दो आ गए नहीं दूसरा नहीं देखना ये मैंने दे दे। पेशे से वकील है पीटीआई ज्वाइन कर लिया है। वाह मैं सियासत मुझे तो नहीं पता ये आपने गेस कर लिया है ना केस लड़ रहे थे अभी। अच्छा 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 आपको मेरी आवाज तो नहीं आई ना परसों तेरी उसकी बात हुई है यहाँ बड़ा डार्क सकती है काला पता चल गया उन्हें मरियम नूर 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 क्या उसका वो आर्टिस्ट है जिसका गाना जिसने भी उस पे भी डाला हुआ था अपने नेट पे भी एक गाना डाला था गाड़ी में डांस कर रही है चार हो गए क्या नाम बताए उसका नाम नाम अभी भूल रहा हूं किसी शो के सिलसिले में अभी दो दिन पहले आपने बात नाम भूल रहा हूं नाम शुक्र है क्लियर कर दिया शो के सिलसिले में नाम भूल रहा हूं उसका अभी वो जो मैंने बताया आपको हिस बताया गाने गाड़ी गाड़ी पे उस पे बहुत ज्यादा लहरें भी हुई है डांस कर रही थी गाने पे मुनीर क्या नाम है जी नीला मुरी नहीं वो तो गाने में जा रहे साथ में बड़े तुम लोग अच्छे दोस्त भी अच्छे कलीग भी बड़े तेज चेक करो जरा अच्छे दोस्त भी अच्छे मैं बार बार मैं बताऊं ऐसे कारीगर थोड़ी हैं बजाने वाले चेक करो ना साथ बड़ा मुकाबला सख्त है जी बहुत सख्त जा रहा है अब एक सेकंड क्योंकि दो पर्चियां रह गई हैं एक में बता देगा तो अब जीतेगा वो जो एक हिंट में बता देगा चलें चल एक हिंट में गेस एक में बता दे एक शो में आम ठूस ठूस के खिलाता था आमिर लियाकत हुसैन तू ऐसा बता ऐसा ही बताओ कि उसमें एक में बता क्या बात है चलो जी ये पता नहीं ये भी ये भी एक करवाना चाहिए ये भी एक में करवा दूं एक ही में करवाना है चले इसी के साथ वहां गया था बर्मा ये बहुत जबरदस्त इसी के साथ बर्मा गया था जो भी हमने गेस किया ना हां मेरे लिए आके साहब हां वो जिसको बाल पकड़ के लोगों ने खींचा था नाम नहीं बताओगे हार जाओगे जका जका क्या बात है नाम बताओ जबरदस्त 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 पूरा नाम बताना है ना अबे मैंने उसका शनाख्ती कार्ड बनवाना है वो तो आपने अपना भी नहीं जका वो जका क्या बे जका तो साइकिलें भी देता किराए जका कौन है पूरा नाम बताओ ये तो गलत है ना यार उसका भी आमिर जका नाम क्या मैं तो चीटिंग नहीं करा रही हूँ पूरा नाम मुझे याद वकार जका जी बहुत सारी तालियां बहुत सारा म्यूजिक आप दोनों ने देखिए एक जोड़ी जब हिट होती है ना इसलिए होती है कि उनकी आपस में केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त होती है आप लोगों ने बहुत जबरदस्त गेस करवाया इसके जेब में कितने पैसे हैं मैं बता सकता हूँ कितने अभी बताइए मैं बता सकता हूँ मेरी जेब में कितने इसको नहीं पता होंगे ये इस बारे से पता कर लेगा बाहर जाकर मांग रहे हो छोड़ दो
यही तरीका वारदात है इसका। दोस्ती क्यों देना पड़ता है? ये तरीका वारदात है इसका। तेरे पास 3,000 है, मैं बोलो नहीं मेरे पास 36,000 है, बाहर जाएगा तेरे पास 36,000। ये तो बड़ा अच्छा तरीका हो गया है मांगने का, लेकिन क्या बात है, जबरदस्त चीज थी। आप 2,000 आप लोगों की नॉलेज भी बड़े मजे की थी, हिंट्स भी बहुत मजे के थे, और ये आखिरी वाला तो क्या जबरदस्त हो गया। मैं तो बड़ी खुश हूँ कि चांस भी ऐसे ही आया। 2018 कैसा है, कैसा देख रहे हैं आप? अच्छा है, 9 का हिंसा बनता है ना, 9। अच्छा आपको भी इंटरेस्ट है? 18 9 का नहीं बनता, 8 1 9 उस तरह नंबर में 11 बनता है। वो दो भी तो बाकी भी तो ऐड होने हैं, 2018 है ना, ये 10 का था, वो 11 का, ये सन का इन्फ्लुएंस है, वो मून का होगा। अच्छा है ना भाई? अच्छा मतलब मैं पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी सुनवा दूंगा। अच्छा ये वाली बात है, हम थोड़ी डिटेल में करते हैं, छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ सुरीले गाने, कुछ सुरीले मैं जीत गया गाने हो जाएंगे। बच्चे बनाते ड्राइंग। अच्छा तो क्या पका रहे हैं आज? आज सर एक तो होता है वो पका रहे, बहुत पकाता है। मौसम आज ऐसा है कि बाहर अभी बारिश का चांस है, इंशाल्लाह हमने जो है ना एक बारिश होनी चाहिए, लाहौर में ज्यादा होनी चाहिए, खास करके बारिश फोक बहुत है। आप तो आप एक काम कर, अगर बारिश का चांस है तो कुछ छतरी फ्राई बनाया तो वो उसी टाइप का है सर आपका। आज उसी टाइप के लिए छतरी फ्राई है, क्या है आज? छत से डाउट है। छत से डाउट हो, ये नाम याद नहीं होगा तो खाएगा कहां से? ये छत, छत से डाउट हो। छत बोलते हैं मटन को, जिस तरह ये छत के लफ्ज है, किस जुबान का है ये? नॉर्थ में गिलगित जवान में छप गोश्त को बोलते हैं, छप छप मजन गोश्त के साथ डोडी डाउडो, रोटी डाउडो, डाउडो डाउडो क्या होता है? सूप को बोलते हैं। यार ये पता हमको तो नहीं मिलेगा, छप से डिग में डड्डू, छप से डाउडो। क्या है इंग्रेडिएंट्स छप से डाउडो? इंग्रेडिएंट्स हम बता देते हैं इसका, इसमें जीरा है, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कुरुत जिसका आपको मैंने बताया था, क्या ये? आज अब नए नए नाम कुरुत, कुरुत ये समंदर में चलता है। क्रूज है, वो क्रूज है, तो कुरुत समझना, उसके छोटी बहन है क्रूज की। ये बेड जो होता है, बेड पका ले, सोएंगे किस पे? बकरी के जो चीज है उससे बनता है। भाई आप तो बहुत मुश्किल सेफ लग रहे हैं मुझे, या तो ये चीज बना रहा हूँ तो बहुत जबरदस्त होगी, नहीं ये खा के जाएंगे इंशाल्लाह, आपको मजा आएगा। तो बड़ी मेहरबानी, वैसे वैसे नहीं है हमारे भाई, ये बता दो, ये वो फ्री में खिलाएंगे सर आपको, फ्री में जगह पे मैं कॉल कर लूं, मैं करा लूं कुरुत, कुरुत डालेंगे, कुरुत ठीक है। और आगे, और उसके बाद मिंट है हमारे पास, ये हल्दी, धनिया पाउडर, गार्लिक और जिंजर, ऑनियन, और ये कुरुत का ही वो पानी हमने बनाया। अच्छा। जी ये बेसिकली खट्टा होता है सूप में, खट्टास के लिए और फ्लेवर आता है। जी विनेगर है, और ये स्प्रिंग ऑनियन, कोरिएंडर, ये टमाटर है, ये हमने मटन का स्टॉक बनाया। ठीक है, आप खाना बनाते हो, टमाटर आजकल क्या भाव चल रहा है? 120 के जी। मतलब आप खाना भी बनाते साथ ठेला भी लगाते हैं? नहीं 200 का लाला है वहाँ पे, कहाँ पे, नहीं नहीं कम हो गया, तुझे तो हर आदमी महंगी चीजें देता है। 120 का मैं तो लेके आता हूँ ना भाई, मुझे पता है, ये पता बताना था कि ये घर के काम खुद करता है। बिल्कुल, अच्छी, अच्छी बात है, बिल्कुल होने चाहिए हैं। इसको शर्म नहीं आती, इसके मतलब नौकर करते हैं। अच्छा अच्छा जी, हम इसकी एक दफा रेसिपी बता दे, फिर हम यहाँ गाने भी गाएंगे। जी ये सारे रेसिपी, एक मिनट नजदीक आ जाओ इनके। जी जी आप बिल्कुल जी जाइए, कढ़ाई के अंदर बैठ के बता। मटन है जी सर, मैं इसलिए आया था, मेरे को ठंड लग रही है, चूल्हे पे आप अपना पकाओ, सर चूल्हे पे आप खड़े में कैसे पकाओ? अच्छा तू उनको पका रहा है, सीधा कर दिया उन्होंने, बहुत सीधा आदमी। अच्छा जी क्या है इसकी? इसमें हम ये सारा, आपका नाम सर? बहादुर खान। आप बहादुर, मैं वो ये वो बहादुर है, बोल बहादुर बहादुर,
ऑयल डालना है इसमें, तो उसके बाद ऑनियन डालेंगे, गार्लिक और स्पाइसी टमाटर भी डालेंगे, ये इसमें सर बाद में हम इसकी रोटी बनाएंगे और छोटे छोटे पास्ते की तरह करके इसके अंदर एंड में डालेंगे। पास्ता जी, खुदा का वास्ता, जल्दी बना दे नाश्ता। अच्छा जी, तो हम लोग साथ साथ रेसिपी बनाते हैं। आप लोगों के लिए मेरे पास एक एक्टिविटी है, आप इधर ही रहिए, उधर मत आइए, खड़े रहिए, खड़े रहिए। मैं लेकर आ रही हूँ, किधर गए माइक? अरे माइक कहाँ गया? माइक माइक आप लोग इधर आ जाए, किसी का माइक, हम शेख बहादुर को अकेले नहीं छोड़ के जाएंगे ना, हम कुछ बजाएंगे म्यूजिक, पकड़ने के बाद उनकी भी नीयत खराब हो जाए, लेके बल्कि ये आप माइक पकड़े और ये दूसरा माइक जो है ना, जो कैसे निकाला जाएगा यहाँ से, निकलेगा तार के साथ, इसको ये किचन पाक है जा रहा है, नहीं अंदर से निकाल कर लाना पड़ेगा। या अल्लाह, आइए जी, आइए आइए, चलो चलो चलो, खींच ले खींच ले, अब हो गई है कि हमने बजाना है गाना और जो गेस कर लेगा कि वो कौन सा गाना है उसने तो, गाना है ये गाना, आप ये गेस ना करें, उसको पकड़ को बात बोले कि ये गाने को पकड़ ले करें, आपको लगता है आपने तो कर ही लेना है, उसको फौरन पकड़ ले, जो शुरू कर देखो जी, जय चले चले जी, क्या बात है। ये गाना पता नहीं उन्होंने यहाँ तो पाकिस्तान में गाया, ये गाना अगर इंडिया में गाते तो बहुत उसको और बूस्ट मिलता, बहुत बहुत जबरदस्त। ये हमारे साथ हमारे सिंगर थे, मैं इनका नाम भी बताती चलूं, बाबू अली इनका नाम है, बहुत खूबसूरत आपने बाबू अली जी, बाबू अली बोले जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो ये स्पेशली मैंने आपके लिए लड़के लिए मुझे पैक करके दे दें, मैं घर ले जाऊंगा, मिल के वो खुद कह रहा है किसी रोज मिलो डले इतने सारों को उल्लू, ये लड़की को कह रहा है वो। अगली एक्टिविटी पे आ जाते हैं और बड़े मजे की, क्या हम जहाज उड़ाने लगे? इसमें करना ये है कि ये आप पहनेंगे, ठीक है, क्या अच्छी लग रही हो कसम, जब आप ये कान पे लगाएं, कान पे लगाएं, चले हमें जरा वहां तक छोड़ दीजिए, वाह वाह रशियन पायलट लगी है, रशियन पायलट, जब आप ये पहन लेंगे तो आपको हमारी आवाज नहीं आएगी, ठीक है, और फिर गाने की आवाज आ रही है, इसमें गाने की आवाज आ रही है, फिर हम जो भी कहेंगे आपने गेस करना है कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कहते हैं कि मियां नईम साहब काफी देर से चुप बैठे हैं, ठीक है, मियां नईम साहब आप पहनिए, ये आप पहनिए और ये आप इन्हें गेस करवाएं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, चीटिंग नहीं कीजिएगा मियां साहब, ये अब बोले और उन्होंने गेस करना है, ठीक है, आपके नाम के साथ मियां लगा हुआ, चीटिंग मत कीजिए, आवाज तो नहीं आ रही, ये आप दोनों गेस करा सकते हैं, देख ले शकील साहब आप भी देख लीजिए, आप भी बोल के गेस करा सकते हैं, ठीक है, भीड़ चाल, भीड़ चाल, भेड़ चाल, भेड़ चाल, भीड़ नहीं होती, भेड़ चाल, गाना गए, भेड़ चाल, समझे नहीं है याकूब भाई, भेड़ चाल, चाय चाल चाल चाल, यार इतने बड़े हो गए आपको हमारी आवाज नहीं, वॉक वॉक कर, चाल 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 चाल, हाँ सही है, वॉक सही है, आगे का सही है, वॉक सही है, भेड़ चाल चाल, भेड़ सॉरी चाल, बोले आप बोले जो बोलना, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा, भेड़ चाल, भेड़, ओ भाई आवाज हल्की करे, भेड़ 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 भेड़, रश शो लोगों का इज्तिमा, भेड़ भीड़, जा भीड़ 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 भीड़, मतलब यहाँ से निकल ले, चाल चाल ऐसे निकल जाओगे ना तो नहर पे से फायरिंग करते हुए निकलते, वही गोली मार दो, भीड़ ठीक है, चाल चाल, भीड़ में से चलना और जलना, चाल 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 चाल, भीड़ में से चलना, भीड़ चाल भीड़ चाल, धाजी आप भीड़ में पहुंच गए थे, ब्रेक हो गई है, छोटी सी ब्रेक लेके आ रहे हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ओ यार ये बहुत डिफिकल्ट है।
वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग. हमारा टाइम बहुत कम रह गया इसलिए मैं आप लोगों को अभी से अल्लाह हाफिज़ सबको कह दूंगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल. हम अब कंटिन्यू कब खत्म हुए शो, फिर एक दफा मैं रिमाइंडर दे देता हूँ. हमारा शो है ड्रामा है आज पीएनसी में. आपको भी दावत है, आप सबको दावत है, सब लोगों को दावत है. अपना फ्री इन्विटेशन मतलब 7 बजे ड्रामा है और वो कराची सिक्योरिटी में फेस्टिवल चल रहा है. बहुत अच्छी बात है ये, बहुत इसको सराहते हैं हम इस चीज को. क्या बात, बहुत शुक्रिया आपकी दावत का, जरूर आएंगे. पहन लीजिए हेडफोन्स जी. ये हम गाने चल रहे हैं, चेक करें सर उनके पास कान ले जाके. अच्छा ठीक है, बेहतरीन. नहीं नहीं वो अंदर का काम बाहर आ रहा है समझ. अच्छा जी, हमने इन्हें गेस कराना है सांप की पटारी. सांप की पटारी, चले जी देखो. मैं चले 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 अरे देखा हुआ सांप की पटारी बोल रहा हूँ. सांप की पटारी, सांप का पटारी. अल्लाह की कसम मुझे आवाज नहीं. अच्छा उन्हें वाकई बाहर तक आवाज आ रही है म्यूजिक की. जबरदस्त ये ले बोल रहे हैं. मैंने 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 नहीं, मेरे को शक है तेरे पे, केस करूंगा, तेरी नाक भी सुनती है बेटा. मैंने अभी उनको कहा था लिपसिंग पकड़ने आपने पकड़ लिया. मैं डबिंग है, जबरदस्त सारे फिल्मों की डबिंग कराई है. आंख मिचोली, बहुत आंख मिचोली. हां इधर देख ले. हां चल पहले अपना घर. ये बड़ा नुकसान है. अपना काम कर ले. ये बहुत नुकसान है. पैसे नहीं आने, फ्री में कर. आंख मिचोली, आंख मिचोली, आंख मिचोली, आंख मिचोली. पकड़ना होता है ना. हां जबरदस्त जी, जबरदस्त. हाँ हाँ वही पकड़ नहीं आता मुझे. ने ये अब उनको अब हम बोलेंगे चिट चिट. चलो अपने कान में लगाए. नहीं आप लगाओ ना. हमने डबिंग कराई हुई है फिल्मों की. भैंस के आगे बीन बजाना है. भैंस के आगे बीन बजाना. भैंस के आगे बीन बजाना. चलो इशारा भी देता हूँ. भैंस के आगे बच्चा. हाँ बच्चा गुम हो गया. बच्चा भैंस के आगे बीन बजाना. मैं आप लोगों को नहीं समझा रही हूँ. मैं आपको गूंगे हैं क्या, तोतले क्या? मैं भैंस 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 के आगे की आगे की नहीं की आगे बीन बजाना. भैंस के आगे बीन बजाना. भैंस समझाया मैंने. क्या बात, भैंस की या भैंस की. अब इनको नहीं भाई को दे. नहीं नहीं मैं हो चुका हूँ. मैं नहीं पहुँच सकता. दूसरे फराक ले ले. शकील को दे दे. शकील को फराक ले ले. नहीं नहीं आपकी जबरदस्त है. आप आवाज ना निकाले, सिर्फ लिप्स मूव करें. नहीं 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 आप आवाज ना निकाले, सिर्फ लिप्स मूव करें. वो तो समझ में आया. सब इसकी नाक भवे सब सुनती है. ऐसा बोला, ऐसा बोले ना, उनको आवाज आ रही. ये तो बूई मुंह में बोल रहा है. खोल के बोला जैसे मैं बता रहा था. ऐसा बोल, ऐसा बोल. और किसी अभी शुरू हो जाता. खट्टी इमली. इतना ऊंचा बोल दिया. अच्छी इमली. अच्छी तक बोलता लेकिन खट्टी इमली. खट्टी इमली, खट्टी इमली. पहले यही बोला था. यही बोला था. मुझे लगता है आप लोगों को आवाज आ जाती है. मुझे लगता है आवाज आ जाती है. नहीं अल्लाह की कसम नहीं आती. ये बड़े मजे का है. अच्छा पहन लिया. अल्लाह की तो भी पूछ. उनको उनको बोलो पूछ. उनको बोल दो चले. रोगनी नान, रोगनी नान. रोगनी हां है क्या कर रहा बहरे. वो तो बोल ही नहीं रहे. मैं बोल रहा हूं रोगनी नान. आवाज आ रही, आवाज आ रही. पीछे पीछे हो ना. रोगनी नान, रोगनी नान, रोगनी नान. धोती. धोती नान. पसे धोती नान. रोगनी नान. धोती के साथ नान खाओ. रोगनी नान. धोती. रोगनी नान. रोटी. रोगनी. हाँ सही है, सही नान. हाँ मिलता जुलता बोल रहा. रोगनी. रोटी दाल नहीं. रोगनी. रोगनी मुंह से तो बोल. एक कान से बोल रही है. रोगनी रोटी. रोगनी रोटी. हाँ ऐसे मिलते तो कभी नहीं बता सकता आदमी. रोगनी रोटी. इधर आ जा. रोगनी. रोगनी नान. रोगनी. अब तो बोल. इधर इधर. मैं इधर. मैं इधर. क्या नान. रोटी दाल. नान.
अबे रोगनी नान रोगनी नान रोगनी नान बहुत दूजा भैया वाह 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 कपट आएगा वाह वाह हेलो हेलो मैं बहुत आवाज खोल दी थी मेरे से शरारत की है बैठा हुआ ना रियान वहां पे ये ले ले रूपलाल अच्छा चेक करो वो क्या कर रहे हैं हां ये रूपलाल बैंगन का भरता भुरते का बैंगन हां भुरते का बैंगन कुत्ते की बहन क्या आवाज है बिल्ली की बाजी फैमिली को लो बाहर निकल क्या बोल रहा है भुरते बैगन का भुरता बैगन का भुरता कुत्ता कुत्ता लग रहा था बोल रहा बैगर का कुत्ता पागल हो गया कुत्ता तो बोला ही नहीं है मैंने कुत्ता कुत्ता ही लगता है मैंने मैंने रोक लिया कैसे कुत्ता लगता है भाई तो मैं बोलता तो खाता हूं कुत्ता अच्छा ये तो बड़ा आसान है सिरी पाए सिरी पाए सिरी पाए सिरी पाए सिरी पाए आवाज ही नहीं आ रही सिरी आवाज क्यों आएगी नहीं बोल रहा है सिरी पाए सिरी बजाए सिरी 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 पाए सिरी सिरी अच्छा सिरी सिरी पाए सिरी पाए वो तो सिरी पाए इशारे भी बता दिया नहीं मुझे एक बात समझाए ये कैसे सिरी सिरी देवी है ना देखो सिरी ये कैसी सिरी है जी अगला अगला चांदनी फिल्म की सिरी बताई थी मैंने पहने पहने ये अब आपको पता चलेगा महकमा मौसमियात ओए हाय ये ना महकमा मौसमियात मौसमियात महकमा मौसमियात मम्मी होने आंदी पुत्र सुन ये तेरी नहीं किसी और दी है उधर से दूर दूर रह के बता मैं ऐसे ही बैठा हूं मो लिपस्टिक देखो हैं लिपस्टिक इस तरह तो कभी भी नहीं पकड़ोगे महकमा महकमा मौसमियात ये दूर से पकड़ना पड़ता है लिपसिंग 1500 रुपए रोज के लेता था डबिंग कर हर एक एक्टर की करता था बहुत जबरदस्त जबरदस्त भाई बहुत आला अच्छे जी अब हमने उधर से बुलवाओ उधर से वो फारिक बैठे हुए नहीं नहीं मैं काम पे लगा हेल्प कर रहा हूं आपको नीली टी-शर्ट नीली टी-शर्ट नीली नीली छींक मार रही है नीली ये जो नीली ये अब मैं मुंह से तो बोल नीली टी-शर्ट नीली शर्ट वाह वाह सकल बंद